कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। नेकू की तो वैसे ही देख के वह हटाहट हो गई। और क्या, ये लंबे लंबे डंडे सोटे, बड़े बड़े कील लगे हुए उन पर। वो बच गए नेके, नहीं तो आज गलियों में उनकी दरिया बिछी होनी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ये नेके लोगों को हंस हंस कर बता रहे थे कि हम सानियों की लड़की ले आए, अम्ब ले आए हैं, बब्बर शाह को ले आए थे साथ। इतना दम था तो अपने जोर पर आते ना फिर। वैसे ना इस बात पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनको बब्बर शाह को बीच में नहीं लाना चाहिए था। वैसे बब्बर शाह ने उनके हक में फैसला क्यों सुनाया? पता नहीं यार क्यों सुना दिया। वो तो कह रहे हैं कि बब्बर शाह ने इसलिए फैसला सुनाया कि लड़की कहीं भाग ना जाए। क्या? नहीं ये मैं नहीं कह रहा, वो नेके कह रहे थे। मैंने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने कहा बहन बेटियों को बीच में क्यों लेकर आते हो, और बहन बेटियां तो सबकी साझी होती है। मतलब ये क्या बात कर दी है तुमने, हद कर दी उन्होंने। और भाई क्या हो रहा है, कल के अपने बहादुर के किस्से सुना रहे होगे, है ना? बताया पा रफीक को कैसे एक दबका लगा और पुच्छल पैरों में दबा के भाग लिया है। पारवी तू भी इनकी पार्टी का हो गया। मैं तो लोड करके दे रहा था इनको। और ना जरा दूर दूर होके खड़े हुआ करो, सारे चूठे एक साथ ही खड़े हो जाते। आप आ जाएगा इस बात पे, लोड कर देना मेरा। अच्छा करता हूँ। अगर पाप शीर के घर राज ना आया इधर भी नहीं। क्या बकवास की है? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्ले भाई वो बात सुनो, मेरी बात तो सुनो बिल्ले भाई। वो कुछ कलाम कलूम पढ़ रहे थे वो, मैं आपको कुछ नहीं कहा। लौट कर। अच्छा कर। टके की औकात नहीं है इसकी, बब्बर शाह की वजह से शोखा हुआ। आजा पुत्र आजा। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में ही दे दो नाश्ता मुझे। निदा तो सही है, खुश है ना वो? हाँ वो तो बहुत खुश है, लेकिन यासिर की तो शक्ल देखने वाली थी। ना झल्ला सा लगता है, क्या पसंद आया उसको उसमें। चलो दिखाए मैं ले जाती हूँ। नाश्ता आ गया। माशाल्लाह आज तो मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश नजर आ रही हैं। भाई मुझे भी तो बताओ आखिर हुआ क्या है। बात ही खुशी की अब्बा, मेरी दोस्त नहीं है निदा, उसकी बात पक्की हो गई है। इतने बड़े रोले के बाद फाइनली उसकी पसंद की शादी हो रही है यासिर के साथ। यासिर के साथ? यासिर चपली के साथ? हाँ हाँ अब्बा वही। आप तो हर वक्त कबाड़ में ही घुसे रहते हो, आपको पता ही नहीं कि जीवन नगर में क्या हो रहा है। बब्बर शाह ने उनकी बात पक्की करवाई है। पहले तो कारोबारी मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने यासिर की ऐसी पिटाई लगाई कि पूछो मत। फिर बात बब्बर शाह तक पहुंची, उसने कहा ऐसी की तैसी उन लोगों की। अब तो उनका रिश्ता पक्का हो गया। मैं तो उसी दिन आप ही को कह रही थी कि शादी का खाना खाने को बड़ा दिल चाह रहा है। ओए वक्रे सस्पेंस डाल रखा है तुम लोगों ने। और बताओ मुझे कहां लेके जा रहे हो? तुझे कहा था ना वायरस है ये भी, बताना नहीं दिखाना है। बताना नहीं दिखाना है तुझे, दिखाना है। ओए तुम, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे? तुझे पता कितना जरूरी काम छोड़ के आया हूं मैं, और तू यहां
मस्ती कर रहे हैं? मुझे वो बंदा मिलवाओ जिसने तुम्हें काम पे रखा है। ओए टॉम एंड जेरी, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ, तुम दांत निकाल रहे हो। लाली, ओ लाली, बाहर आओ, देखो तुमसे कौन मिलने के लिए आया। ये? कौन है ये, इसको कहां से पकड़ के लाए हो? क्यों, कैसा लगा सरप्राइज गर्लफ्रेंड? कौन है ये? बब्बर शाह है ये। बब्बर शाह बदमाश, अब पता चले है ना। असली है ये? हाँ वायरस चेक कर ले। क्या कर रहे हैं मौबी साहब? ये तो असली है। बदमाश बल्ले बल्ले। डर लगा है ना? बहुत डर लगा। लाली गुरु की शक्ल तो बब्बर शाह से जरूर मिलती थी, लेकिन भला लाली गुरु बब्बर शाह कैसे बन सकता था, क्योंकि बब्बर शाह तो सिर्फ एक ही था। मैं करूंगा ये काम। और बड़ी बड़ी मुबारक हो भाई। खैर मुबारक, मुबारक हो चाचा। और यासर पुत्र मुबारक हो भाई। खैरों वाले चाचा जी, बहुत शुक्रिया। बशीर के घर राज ना आया, इधर भी नहीं। बाज दफा किसी एक ही गलती सबको भुगतना पड़ती है। बिल्ले के सामने आज तक किसी ने ये बात नहीं की थी और करनी भी नहीं चाहिए थी। बिला बोल रहा हूं। अम्मा फरीदा, परेशान होने वाली बात तो है ना, तूने तो मुझे कहा था कि तुम चपली से बात करोगी। तो बात की थी ना मैंने, नहीं बात बन सकी, ये उनका मुकद्दर। अब बब्बर पुत्र ने वहां रिश्ता करवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही करवाया होगा ना। मैंने और जगह बात की भी है। कहाँ बात की है? मुझसे तो कभी किसी ने इस मामले में बात नहीं की। मैंने कहा है ना, मैंने बात की भी। और रहने दे अम्मा, तू भी टाल रही है मुझे, सब पता है मुझे। हाय हाय अनीफ पुत्र कमलिया, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूँगी है? वो अपने मास्टर तो फैल है ना, मुझे यकीन है कि उधर बात बन जाएगी, क्योंकि वो मेरी बड़ी इज्जत करता है। कहता है अम्मा फरीदा, तू मुझे माओ से भी बढ़कर अजीज है, बस हुक्म किया कर। सच अम्मा फरीदा? हाँ ना, तू एवं खाम खा कमले अपना दिल छोटा कर रहा है। अम्मा फरीदा, ये मेरी बच्चियों वाला काम हो जाए ना तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। ना, कोई एहसान नहीं मेरा पुत्र, मेरी अपनी बच्चियाँ हैं, ऐसी बात ना कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सुल्तानपुर से पहले चौकी आएगी, वहाँ थोड़ा ध्यान से। सुल्तानपुर पहुँच कर ये माल वहाँ उतार देना, बाकी रखना। अच्छा, ये माल सुल्तानपुर जा रहा है?
हाँ ठीक है, फिर मैं लेके जा रहा हूँ। किधर? सुल्तानपुर। और कहाँ? माल बग्गा लेकर जाएगा। बग्गा? और बग्गा फिर किस दिन चला जाएगा? आज मैं जाता हूँ। मैंने कहा ना, माल बग्गा ही लेकर जाएगा। क्यों? मैं क्यों नहीं? तू उस वक्त ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? क्या हुआ है मुझे? देख, माल बग्गा लेकर जाएगा, तू फिर चला जाना, जिद क्यों कर रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक क्या नहीं लग रहा, क्या हुआ है मुझे? शाहजी ने कहा है माल के साथ बग्गा ही जाए। अच्छा, बगे माल अगर मैं ले जाऊं तुझे कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज होना, ले जा। सुना, फील्ड का काम हमारा है, उसको एतराज नहीं है, और अब मैं माल लेके जा रहा हूं। मैंने कहा ना, माल बग्गा ही लेकर जाएगा। क्या हो गया यार, माल ही लेके जाना है, इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है? ये बात इसको समझा, मेरे सामने चौधरी ना बना करे। छोड़ ना बाबू, कोई मसला नहीं है, जाने दे उसको, रिलैक्स। माल तू ही लेकर जाएगा। तेरी निदा, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ऐसी बात नहीं है कि खुश नहीं हूं मैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये खुशी आधी अधूरी सी लग रही है मुझे। बहुत ही अजीब सी फीलिंग है यार। क्योंकि तुम्हारे अम्मा पापा खुश नहीं है, तो इसमें कौन सी नई बात है? इसका तो तुम्हें पहले से पता था, ये तो होना ही था। पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि सब कुछ ही अचानक हो जाएगा। सारी की सारी प्लानिंग ही उल्टी हो गई है यार। मैंने तो सोचा था कि घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लाऊंगी, उनका जहन बनाऊंगी, और सोचा था कि यासिर अपने अब्बा को भेजेगा। जाहिर सी बात है, पहली दफा में तो नहीं मानते ये लोग, दूसरी तरफ मेरे भी रिश्ते आते, मैं भी इनकार कर देती। इसी तरह थोड़ा सा वक्त गुजर जाता, यासिर की जॉब हो जाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मना लेती सबको। तो ये तो अच्छा हुआ ना, इतना लंबा खींचने की बजाय एकदम से हो गया। छोड़ यार, तुझे नहीं समझ आने। मुझे सब समझ आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक तुमने पहले बात करनी थी, फिर उनका रिएक्शन आना था। अब बस चीज़ें थोड़ी सी उलट हो गई हैं, पहले उनका रिएक्शन आ गया और अब तुम बात करो। वक्त पहले भी लगना था, अब भी लगेगा, लेकिन देखना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या ठीक होगा। अच्छा बस करो निदा, एक तो मैं तुमसे मिलने आई हुई हूँ, ऊपर से तुम्हारा मुंह बना हुआ है। जब उसने तुमसे कहा कि माल लेके भगा जाएगा, तो क्यों बहस कर रहे हो उसके साथ? कितनी दफा कहा है कि ये सब कुछ करके मेरे सामने ना आया करो, बदतमीज इंसान। सॉरी शाहजी। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी गैर मौजूदगी में जो बाबू कहेगा वही होगा, क्योंकि वो वही कहता है जो मैं उसे कहता हूं। समझ आई? जी शाहजी। इतनी सी बात थी ना कि तुम माल लेके जाना चाहते थे, मुझे कहते, उसके साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? सॉरी शाहजी। बाबू से करो। नहीं शाहजी, उसकी कोई जरूरत? तुमसे पूछा है? सॉरी बाबू। चलो जाओ माल लेके। ठहरो, ये तो माल ले जाने में इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? शाहजी वो सुल्तानपुर का माल है ना, तो वापसी पे वो खाला जान से होता हुआ आऊंगा, कॉल आई थी, बीमार है।
ये वही खाला तो नहीं है जिनकी तरफ जाने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था? नहीं शाहजी, वहां तो जब से आपने मना किया मैंने वो ही नहीं किया उधर, सच्ची। चलो जाओ। जी शेर, लगे जाओ तुम भी। इधर आओ। क्या बेवकूफी, तुमसे ये बंदे भी हैंडल नहीं होते? मेरा अगर ध्यान इधर ही रहेगा तो मैं बाहर क्या करूंगा? अंदर शिकायत नहीं होगी शादी। जाओ। ये लो, क्या हर वक्त पैसे मांगते रहते हो? उधार दे रहा हूं वापिस लूंगा सूद समय। अच्छा अच्छा बस करो, तुम्हें भी देता हूं, ये लो। इतने पैसे तुम्हें दे दिए, अगर चोरी हो गए मेरे पास रखवा दो। जब जरूरत हो ले लेना, ठीक है? भूखा नंगा इसके पास कुछ भी नहीं, वो चोरी करेगा, डाका मारेगा, मेरे पास रखवा दो, ठीक है? क्या पैसे थे? कौन से पैसे? जो पैसे तूने मेरे पास रखवाए थे उसी मैंने हिफाजत की और सूद समेत काट लिया। रोनी और उधार लो ये पैसे। सर हाइट 5'10", इसके ऊपर खड़े हो। सर वेट 98 kg। रंग भी साफ नहीं है, तिल का निशान भी नहीं है, जख्म भी नहीं है। दांत दिखाओ। उफ, इतने गंदे दांत। गुटखा खाती हूं। क्यों? मजा आता है। कद में भी 1 inch का फर्क, वेट में भी 4 kg का फर्क, रंग भी साफ नहीं, तिल भी नहीं, जख्म भी नहीं, दांत भी गंदे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार। इतने ज्यादा फर्क है, तोड़फोड़ जरूर करनी है, नया बनवा लें। बाबू फकीरे का क्या हाल है? काफी बेहतर है शाहजी, सवेरे नाश्ता भी किया उसने। ये तो अच्छा है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर क्लियर होगा। मैंने भेजा है किसी को उसकी खैरियत लेने। जरूर भेजो, वो बेचारा अकेला है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। ख्याल रखो उसका। अस्सलाम वालेकुम। वो शाहजी हमने इनको रोका है, मगर कौन चंगे रहे हो? आप लोग इतना हैरान क्यों रह गए? औरतों का आना अलाउड नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई काम था तो आप पैगाम भिजवा देती, आपने खुद क्यों तकलीफ की? ठीक है मैं फिर चलती हूँ। नहीं नहीं, वो ये मतलब नहीं है।
नहीं सीरियसली बाबर जी, मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में मालूम नहीं है। अगर यहाँ औरतें आना अलाउड नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है जी। ऐसी बात नहीं है तो फिर बैठ के बात करें। तो क्या बात हो रही थी जी? मैं बाबू क्या कह रहा था मैं? शाह जी आप कह रहे थे कि डेरे पे औरतें आ सकती हैं। डेरे पे औरतें आ सकती हैं? हाँ वो ये जीवन नगर है, यहाँ के लोगों के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। असल में आपके आने की तवक्को नहीं थी ना जी, इसलिए शायद हैरत हुई। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूँ। जी अच्छा किया आपने। ऑन अ सीरियस नोट बबर जी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था जी। और दूसरा आपसे शिकायत भी करनी थी जी। शिकायत क्या है जी? शुक्रिया इस बात का कि आपने बंदे भिजवाए, उन्होंने घर पर काम किया, और शिकायत इस बात की कि उन बंदों को फिर से भिजवाएं, काम ठीक नहीं किया उन्होंने। बाबू बंदे दोबारा भिजवाओ, काम ठीक करवाओ, अपनी निगरानी में काम करवाओ, शिकायत नहीं होनी चाहिए जी। शाह जी मैं कहता हूँ। थैंक यू ओबर जी जी। वैसे आप लोगों के यहाँ चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है? बाबू जी शाह जी चाय पानी आप चाय लेंगे या कॉफी? जो भी अच्छा है। जो भी अच्छा है। सीधे इधर आओ। काफी शरीफाना सेटअप है आपका। जी हम शरीफ लोग हैं जी। यकीन हो रहा है मुझे जी। बैठे ना, आपका ही है डेरा ये, बैठे। मुझे पता चला कि आपने निधा और यासिर की बात पक्की करवा दी। मुझे लगता था कि आप खाली सोशल वर्क ही करते हैं, पर नहीं, आप तो प्यार करने वाले दिलों को जोड़ते भी हैं। वैसे मुझे ना एक आइडिया आया है, जीवन नगर के लोगों को वैलेंटाइंस डे मनाने की बजाय बब्बर शाह डे मनाना चाहिए। नहीं अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं या चेजा ले रही हैं। चेजा? नहीं बबर जी, आई मीन इट। बबर जी आपने कभी देखा है इतना काइंड हार्टेड बदमाश? आजकल के वक्त में कहाँ होते हैं ऐसे बदमाश। एक मिनट, आप ब्लश कर रहे हैं ना? ओ माय गॉड यार, आप सचमुच के बदमाश ही है ना? जी जी वो। अरे अबर जी एक बात है, मुझ पर नहीं चलेगी आपकी ये बदमाशी। क्या हुआ अबर जी? मैं मजाक कर रही थी, अगर कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नहीं 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 या, आप ऐसे तो ना कहें ना। बाबर जी हुआ क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। आप मुझे एक काम याद आ गया जी, आप चाय पी के जाइएगा। ए
ए पुराना टीन टप्पर बेच लो, पुराना लोहा बेच लो, ए प्लास्टिक दिया बोतल बेच लो, रद्दी कागज रजिस्टर बेच लो। अनीफ, ए अनीफ कबाड़िए अख लोया, अनीफ कबाड़िए। ओए अम्मा फरीदा को तूने भेजा था मेरे घर में? मैंने नहीं मासी जी। तो फिर वो तेरी ती का रिश्ता लेकर मेरे घर में क्यों आई थी? और तूने उसे कहा होगा? नहीं मासी जी, यकीन करें मैंने कहा ना कि मैंने नहीं कहा। ओए कबाड़िए, एक बात तू चंगी तरह से समझ ला, मैं अम्मा फरीदा की करता हूँ बहुत ज्यादा इज्जत, अम्मा के बहुत एहसान है मुझ पर, और मैं तो उनको इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ, अपनी औकात देख और जा जाके अम्मा से कह दे इस रिश्ते से इनकार कर दे, और कह जाके कि तूने इधर रिश्ता नहीं करना। समझ गया ना मेरी गल? समझ गया मास्टर जी। और एक बात और, अम्मा को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुझे इस बात से मना किया, ठीक है ना? समझ गया मास्टर जी। और सियाना ब्याना बंदा है तू, एवी पागलू जैसी हरकतें क्यों करता है? और तेरा और हमारा कोई जोड़ बनता है? तो जा जाके फिर अपनी असियत के लोगों में अपनी तीनों के रिश्ते लग। मेरा जो तजर्बा कहता है ना निफिया, तेरी तीनों के ब्याह जो है किसी भी चंगी घर में नहीं हो। अगे तेरी मर्जी, जा जाके लोया पुराण दा शीशियां पुरानियां लग जाके जा, शाबाश रिश्ता करना मेरे घर है, कोई गल करना नहीं। ए भाई, वो बदमाश बेटे को टीवी नहीं तो कोई छोटा सा टेप रिकॉर्डर ही दे दो। इतना बोर गोदाम, यहां तो चूहे भी नहीं है। पुत्र ए काका, कोई फंक्शन होने लगा है? ओ पता नहीं, गूंगे लड़के हैं ये सारे। बिल्कुल मुझे ऐसा ही चाहिए, सुना तूने? डार्लिंग, इससे ज्यादा रिफाइंड वर्क सिर्फ हॉलीवुड में होता है। ओके, इससे ज्यादा रिफाइंड वर्क सिर्फ हॉलीवुड में होता है। ओ वायरस, हॉलीवुड बॉलीवुड ना सुना मुझे, जो कह रहे हो ना वो कर। एक मिनट साहब। अच्छा तुम ये बताओ कि इस छत्ते का क्या बनेगा? ये तोड़ेगा। उड़ा दो। उड़ा दूं? ओके। गलती मेरी थी, मैं समझ ही नहीं सका। मुझे लगा उस वक्त बिल्ला नशे में है, मगर बिल्ला सिर्फ नशे में नहीं था। हेलो। अच्छा कब? ठीक है पहुंचता हूं मैं। हाँ
खुदा के वास्ते और जो मर्जी करवा लो, मेरे बाल ना कटवाओ। डोंट वरी बेबी, इट्स जस्ट अ हेडू। यू शुड बी एक्साइटेड, इन फैक्ट ओवरवेलम्ड कि पोमी तुम्हारा हेडू कर रहा है। ओके, अल्लाह के वास्ते ना करो प्लीज। ओहो, डोंट मूव प्लीज, ना कर, हिलना नहीं, नहीं तो कट लग जाएगा। बाजी तू तो ना कर। बाजी चुप कर, नहीं तो तेरे नाल मिन्नू भी कुटेंगे, सामने वेख रही है। सॉरी बाजी। हनीफ, ओए हनीफ, और तू यहां ऐसे क्यों बैठा हुआ है, क्या हुआ? ओए हनीफ, हनीफ क्या हुआ है भाई? ओए तू तो रो रहा है, और हुआ क्या भाई, मुझे बताएगा नहीं? क्या बताऊं रफीक, मैंने अम्मा फरीदा से कहा कि मेरी बेटियों का कहीं रिश्ता देखो, अब मुझे क्या पता था कि वो मास्टर तुफैल के घर चली जाएगी। फिर क्या, अरे आगे मुझे बड़ा बेइज्जत किया, या गली में खड़े होकर बहुत जलील किया मुझे, कह लगा अपनी हैसियत अपनी औकात देखी, तुझे शर्म ना आई ये काम करते हुए, मैंने बड़ी मिन्नतें की है, कह लगा अव्वल तो तेरी बेटी होगा कहीं रिश्ता नहीं होना, अगर हुआ भी तो किसी अच्छे घर में नहीं हो सकता, बताओ। बड़ा ही गलत आदमी निकला भी ये मास्टर तुफैल भी, मैं तो उसे अच्छा भला इंसान समझता था, मगर उसने बड़ी घटिया हरकत की है, ना उसे इल्हाम हुआ था कि नहीं होने ये रिश्ते, बहुत बड़ी चवल मारी है उसने, और चलो अच्छा हुआ है उसका गंद रिश्ता होने से पहले सामने आ गया, और तू दिल छोटा ना कर, है ठीक हो जाएगा सब, ये रोना धोना बंद कर। वैसे ये जो जीवन नगर है ना, इसकी ये रवायत बड़ी गंदी है, बरादरी और हसीयत देखकर रिश्ता करने वाले, देखो वो चपली और कारोबारियों का क्या रौला पड़ा था, हैं पड़ा था कि नहीं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बुरी बात है। वैसे अब क्या किया जा सकता है, अब लोगों को बदला तो नहीं जा सकता ना, वैसे ये रवायत तोड़ी भी जा सकती है ना कि नहीं? हाँ तो सारे बात ही करते हैं, करता तो कोई भी कुछ नहीं है। बिल्कुल 16 आने बात की है तुमने, मगर अब मैं करके दिखाऊंगा, कोई करे ना करे मैं करूंगा, देखना जरा आप। तुम तो तू क्या करेगा? मैं तोड़ूंगा ये रवायत, हाँ देखना तुम, आखिर किसी ना किसी को तो इस रवायत को तोड़ना होगा ना, तो तू क्या करेगा? ये जीवन नगर वाले तेरे साथ रिश्ता नहीं करते ना, तो ना करे, ये बड़ी बड़ी बरादरियों वाले, ये बड़े बड़े जितने लोग हैं, हमसानी नेके और ये मगेरे सब के सब ले, फिर मैं रफीक हुसैन मगेरा, वल्द दिलावर हुसैन मगेरा तैयार हूं तेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए, कैसा है फिर? और खुश हो जा, क्या हुआ? भाई हनीफ, अंकल जी मेरी बात तो सुने, अंकल हनीफ, ओए अंकल हनीफ, पता नहीं पसंद ही नहीं आई बात इसको मेरी। तुम भी आओगे? हाँ आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा,
बब्बर शाह ने तो अब्बा जी से कहा कि यासिर को भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने तो पूरी तैयारी भी कर ली है, बालों की सेटिंग करवाई है और जिंदगी में पहली दफा फेशियल भी करवाया मैंने, पूरा 1,000 लगा दिया। पागल हो तुम पूरे। सब पागलों वाली क्या बात है, हमारी जिंदगी का अहम तरीन दिन है ये, तुम तैयार नहीं होगी? यार अभी तो तैयारी व्यारी का कुछ भी नहीं पता, पता नहीं कल घर का माहौल कैसा होता है, सब उसी पे डिपेंड करता है, फिर देख लूंगी कुछ भी। यार निदा आया, अच्छा अब बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, बाय बाय बाय। प्रॉमिस याद है ना? कैसा प्रॉमिस? लो अभी से भूल गई। ये तुझे इतनी फिक्र क्यों पड़ गई है, क्या सीन है? टाइम आने में बताऊं? नहीं बहन हूं ना मैं तेरी, चल अभी बता। अच्छा तंग ना करो। अरे बताओ ना क्या चक्कर है? कल बताऊंगा, कल कल। शाहजी बड़े दिन के बाद कब्रिस्तान आए। हाँ आज कुछ ज्यादा याद आए। पता है आपको आज टाइम का भी अंदाजा नहीं हुआ, 11 से काफी ऊपर हो गया। आज की खैर है, आज माफी मांग ली थी। अच्छी बात है। एक मिनट शाहजी। शाहजी शाहजी नीचे झुक गया। शाहजी नीचे रहे, कोई और भी हो सकता है। वो तुम आप कितने हसीं आप खुद भी नहीं जानते, आप कितने हसीं आप खुद भी नहीं जानते। हम तो मत होश थे, हम तो कुछ ना कहे, होश वालों के भी होश उड़ से गए, होश उड़ से गए। आप कितने हसी आप खुद भी नहीं जानते। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।